बिहार समेत देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक ताजा पश्चिमी क्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर पहुंच गया है, जिसके चलते उत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत की पहाड़ियों पर बहुत जल्द मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। बारिश की शुरुआत हल्की होगी और शुरुआत में गतिविधियां अलग अलग स्थानों पर होगी, बाद में बारिश के विस्तार में बढ़ोतरी होगी। 16 और 17 फरवरी तक बारिश फैल जाएगी। कुछ हिस्सों में मध्यम गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक और सिस्टम जो कि 18-19 फरवरी के आसपास आने की उम्मीद है और यह मजबूत होगा। यह सिस्टम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को प्रभावित करेगा और बाद में उत्तराखंड राज्य तक फैल जाएगा। हालांकि ये पश्चिमी क्षोभ यदि ज्यादा मजबूत हुआ तो पंजाब और हरियाणा राज्य में भी बारिश दे सकता है। इसी अवधि के दौरान रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन के तापमान में हल्की गिरावट भी देखी जा सके। पश्चिमी क्षोभ के चलते उत्तर भारत से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवा और ठंड का असर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। फरवरी के आखिरी हफ्ते से प्रदेश में गर्मी दस्तक दे सकती है। अगले दो दिनों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। उसके बाद न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत में बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश की न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में भी लौटी फिर से सर्दी। विशेष रूप से बात करें गंगा के मैदानी इलाकों, उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 2 से 3 दिनों से न्यूनतम तापमान 1 अंक तक आ गया है। हालांकि फरवरी के महीने के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में औसत दर्जे की वर्षा होने की संभावना कम है।